सीधा सीधा जीजा जी के चुनाव प्रचार में आए हैं कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में है, सभी लोग हैं, गठबंधन में है, और जो यहाँ से कांग्रेस ने जो उम्मीदवार चिरंजीव राव जी को बनाया है, ये काबिले तारीफ, पूरे नौजवानों में पूरा हुजूम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिप्टी सीएम का पद लेकर रहेंगे और ये जीत करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत होती है, हरियाणा में भी कांग्रेस अपना वादा करके चल रही है, आपका जातिगत जनगणना को लेकर के क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जातिगत जनगणना जो है, पहले हम लोग ने मांग किया और इसको पूरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग लगे रहे, और विरोधी जो है उसको रोकने का काम किया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पीछे होते हैं, लेकिन एकदम तीव्र गति से भगवान का क्या उसमें कृपा रहता है कि हम लोग आगे हो जाते हैं। लेकिन उद्देश्य इसके पीछे हम क्या देख रहे हैं, जातिगत जनगणना से हम क्या? फिलहाल तो अभी तो इनका चुनाव के लिए हम इसी पे बात कर रहे हैं, इन्हीं के चुनाव में ये मुद्दा उठ रहा है। तो इनके इनको सपोर्ट करें, इनको जीतें, ये जीत हो इनकी और ये अच्छे से विकास करें, ये जनता में बहुत अच्छा। जातीय जनगणना इसलिए, जातीय जनगणना करना इसलिए जरूरी है ताकि सभी को बराबर का हक मिल पाए, ताकि पता चले जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। हम उसी पे ले रहे थे कि ओबीसी और जो दूसरे वर्ग हैं उनके जो हम भागीदारी देखते हैं आधिकारिक स्तर पर, ऑफिसर्स के लेवल पे, प्रथम श्रेणी के ऑफिसर्स के लेवल पर वो बहुत कम है। कांग्रेस सत्ता में आती है, दोनों जीजाशाला मौजूद है, सत्ता में आती है तो क्या वादा कर रहे हैं ओबीसी के लिए? ये तो पार्टी लाइंस के ऊपर है जी, ये तो पार्टी हाईकमांड इसका फैसला करेगी, पैटाई इसके ऊपर फैसला करेगी आने वाले समय के अंदर। जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि बराबर का हक सभी को मिले, और जाति जनगणना का फायदा सभी को है, ऐसा नहीं है कि ओबीसी को इसका फायदा है, एससी को उसका फायदा है, इसका फायदा जनरल को मिलेगा। चुनाव की रेवाड़ी की बात कर लेते हैं, कितने दिन यहाँ पर लगाएंगे तेज प्रताप? अभी तो हम आए हैं, आज आए हैं, आज से शुरुआत हुआ है और रहेंगे लगातार। उसके बाद भाई साहब का भी आने का कोई प्रोग्राम बना? आएंगे। एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस की लहर मानी जा रही है, दूसरी तरफ भाजपा लगातार तीसरी बार का नारा दे रही है, क्या समझते हैं? भाजपा देखिए शुरू से है कि भाजपा का दाल गलने वाला आपने, वो पहले वादा करते हैं फिर उसी वादे में फंस जाते हैं। देखिए, आज तेज प्रताप जी यहाँ पर आए हैं और पूरा गांव खरखड़ा आज निकल कर आया है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, आशीर्वाद देने आए, मेरे बुजुर्ग आए, माताएं बहनें आए, नौजवान साथी आए, और ये दर्शा दिया है कि 5 अक्टूबर को जिस दिन वोट डलेंगी भारी बहुमत के साथ, 8 अक्टूबर को हम यहाँ से जीत के आएंगे। और कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके प्रचार की बात? कल सचिन पायलट जी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, परसों दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, और लगातार उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। चिरंजीव, क्या मानते हैं आज भगवंत मान का रेवाड़ी आगमन को कितना इफेक्ट डालने वाला है? भगवंत मान जी से तो मैं ये पूछना चाहता, अगर मुझे मौका मिलता कि हमारे हरियाणा के हक का पानी हमें कब देंगे, हमारा हरियाणा जो प्यासा है आज इसको पानी नहीं दे रही है पंजाब, वो पानी कब देगी? भगवंत मान जी जो कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी का नहीं देंगे, उनको आज उसका हिसाब देना चाहिए था कि हमें हमारा पानी कब देंगे। भगवंत मान जी को वोट तभी मिलेगी जब हमें हमारा हक का पानी देंगे।